शाम करीब 4 बजे के आसपास बोरी इचोड़ गांव के पास अशोका होटल के सामने रास्ते के बीच में अचानक बंदर के आ जाने से बलेनो गाड़ी डिवाइडर को जा टकराई, जिसमें वाहन चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। 37 वर्षीय सुहास फडणीस अपने बलेनो गाड़ी क्रमांक MH31FE3833 से हैदराबाद से नागपुर आ रहे थे, तभी राष्ट्रीय महामार्ग पर बोरी इचोड़ गांव के पास स्थित अशोका होटल के सामने दो बंदर रोड के बीच में अचानक आने से उन्हें बचाने के प्रयास में वहां चालक का नियंत्रण बिगड़ने से और गाड़ी की रफ्तार तेज होने से गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई और दो पलटियां लगाकर दूर जा गिरी। यह अपघात इतना भयंकर था कि वाहन का भारी नुकसान हुआ है और वाहन चालक की जान तो बची, लेकिन सर पर और हाथों और पैरों को बहुत गंभीर चोटें आई है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। वड़की पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मचारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर तुरंत आगे की जांच आरंभ की। वीकेबी न्यूज के लिए यवतमाल से अजित महिंद्रे की रिपोर्ट।